हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रोपोर्शंस शुरू करने वाले हैं। प्रोपोर्शंस रेशो से ही काफ़ी कुछ रिलेटेड है, प्रोपोर्शन भी आपका, बस कुछ टर्म्स बदल जाएंगे इसके अंदर। प्रोपोर्शन के लिए अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ रेशो। ठीक, जब आप ये बोल रहे हो कि दो रेशोज इक्वल हैं, इक्वल इन द सेंस अगर मैं ये कह रही हूँ कि 2/3 है मेरे पास और 4/6 है, बोथ आर इक्वल, देन हम क्या बोलेंगे कि ये सारे क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक, तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं हम, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन the quantities of ratios are said to be in proportions. ठीक, आप क्या कह रहे हो, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें और, तो हम क्या कह रहे हैं कि A's to B इज इक्वल टू C's to D, देन जो चार क्वांटिटीज आपके पास आई, कौन कौन सी, A, B, C and D, देन A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे या साइन यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन अगर बोले कि प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, तो आप क्या कहते हैं कि A's to B, ये सिंबल दो रेशियो के साइन, A's to B प्रोपोर्शन C is to D। ठीक, और आपने क्या कहा कि दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स A upon B is equal to C upon D। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई कि दो रेशियोज इक्वल है हमारे पास, तो हमने कह दिया कि चारों क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शंस। अब इन चार क्वांटिटीज को आप कैसे बताओगे कि कौन सी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, और चार नंबर्स के प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या कंडीशंस मस्ट होने चाहिए। हमने क्या कहा कि A ratio B प्रोपोर्शंस C ratio D, ये जो कॉर्नर वाले वैल्यूज हैं A और D, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, और जो बीच वाले दोनों वैल्यूज हैं हमारे B एंड C, दीज आर नोन एज मीन्स और मीन वैल्यूज। ठीक, हमने क्या डिनोट किया है कि A upon B is equal to C upon D। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे क्या कंडीशन मिल रहा है, AD is equal to BC। ये कंडीशन आपको क्या बता रहा है, A और D क्या है, देखो एक्सट्रीम वैल्यूज, और B और C क्या है, मीन वैल्यूज। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means, और ये ही हमारी इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है चार नंबर्स के प्रोपोर्शन में होने के लिए। यहाँ से जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो क्या है, 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are said to be in proportion if in proportions if product of extremes is equal to product of means। Product of means, that is AD is equal to BC। ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ गया चार नंबर्स के प्रोपोर्शन में आने के लिए। ठीक, अब पहले इस पे कुछ प्रोपोर्शन को और अच्छे से समझने के लिए पहले इसी के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन में क्या मेंशन किया कि A to B प्रोपोर्शन C to D। अगर हम A को बोले तो व्हाट इज A? दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक, B क्या है? सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जितने नंबर का प्रोपोर्शन आपको चाहिए उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम पर्टिकुलरली उसी नंबर की जगह पे एक अननोन डाल देंगे। कंडीशन हमारे पास वही है, A/B = C/D। आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ of 4, 12, 16। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ नंबर का प्रोपोर्शन चाहिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ वाला आपके पास नहीं है, जितने नंबर का प्रोपोर्शन चाहिए उसके प्लेस पे आपको अननोन डालना है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन B x। तो अब जो चार क्वांटिटीज मेरे पास आ गई वो क्या हुई? 4, 12, 16 and x। This is A, B, C and D. What I am going to do, this into this, मतलब 4 into x is equal to 12 into 16। ये मैंने क्या अप्लाई किया है आप देख रहे हो, AD is equal to BC। 12 into 16 upon 4। What is the fourth proportion? This is 48। आप सिंपली भी डाल सकते थे 4/12, आंसर तभी भी वही आएगा, टर्म वही रहेगा, वहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई खुद करेंगे और यहाँ पर पहले से ही हो जाएगा। जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है वैसे करिए। दिस इज 48। चलिए और क्वेश्चन एक देखते हैं। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट भी रेशियो की तरह ही बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलते इन टॉपिक से। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4, 8 and 12। अब क्या बोला आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे मतलब ये A है, B, 2 हो गए, थर्ड वाला हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, एंड दिस इज D। थर्ड वाला मतलब C वाला हमारे पास मिसिंग है, दैट इज X। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी BX। तो जो नंबर्स मेरे पास आ गए वो क्या हुए? ये नाउ दिस इंटू दिस, 4 into 12 is equal to 8 into x। 4, 12, 8 चला गया नीचे, 2, 6, x is 6। ये आंसर हो गया हमारा, 4, 8, 6, 12। क्रॉस चेक करो, 48, 48। और एक देखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो और प्रोपोर्शन को मिक्स करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन कंपाउंड करके दिया है. फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 6 and the fourth proportion of 4, 8 and 12. मतलब आपको क्या मेंशन करना है, देखो एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं. वो क्या कह रहा है आपको कि इन नंबर्स का, दिस इज 6, 2, 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करिए, 4, 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ दीज प्रोपोर्शन. आप जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा है वो क्या है देखिए पहले, इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 6, fourth proportion of 4, 8 and 12. चलिए पहले बेसिक पॉइंट पे जाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं. थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 6 मतलब जो थर्ड वाला प्लेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो आपका मिसिंग है. दैट मीन्स 2, 3, x and 6. ठीक, क्या आ गया हमारे पास, 2 into 6 is 3 into x, x is 4. ये मिल गया मुझे थर्ड प्रोपोर्शन. अब क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए. किसका फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, 4, 8 और 12 का, मतलब फोर्थ वाले प्लेस पे x है, अब अननोन है. दिस इनटू दिस 4x 8, 12, 4 कितना आया, 24. ठीक, यहाँ पर आप दूसरा अननोन भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. अब रिक्वायर्ड रेशियो में दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. पहला क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा 4/24, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है मेरा, जो मुझे इवेल्युएट करना था, इज 1:6. तो इस फॉर्म में भी रेशियो और प्रोपोर्शन को कंबाइन करके भी कुछ क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं. एक और कंसेप्ट देखते हैं, मीन प्रोपोर्शन एक टर्म आएगा आपके पास, उसको एक बार देख लेते हैं कैसे है. मीन प्रोपोर्शन, देखिए क्या है मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स A and B is the square root of their products. Of their product. That means अगर mean proportion बोलो कि A और B का mean proportion कितना मिलेगा हमें, तो mean proportion is under root of AB. This is the mean proportion. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इस पर. Find the mean proportion of between 9 and 81. आपने क्या करना है, सिर्फ मीन प्रोपोर्शन इज 2 का प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर रूट. 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 81 का 9. दिस इज 27। ये आपका आंसर हो गया मीन प्रोपोर्शन के लिए। ठीक, और एक देखते हैं क्वेश्चन। Find the ratio of mean proportion between 4 and 25 and the third proportion between third proportion of 4, 3 and 6। ये इवेल्युएट करना है मुझे। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो पहले देख लेते हैं क्या है मेरा। रिक्वायर्ड रेशियो इज मीन प्रोपोर्शन चाहिए, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 25 अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4, 3 and 6। चलिए पहले मीन प्रोपोर्शन देखते हैं क्या आएगा। मीन प्रोपोर्शन दोनों को सिर्फ प्रोडक्ट करिए और स्क्वायर रूट। 2 into 5, 10। ये मिल गया मुझे मीन प्रोपोर्शन। फिर डाल रहे हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। थर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड नंबर की वैल्यू है वो मिसिंग है मेरी। 4, 3, x and 6। 4 into 6, 3x, 3 to x is 8। एक वैल्यू ये आ गई, एक ये। दिस इज 10/8। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या मिला मेरा? 5:4। और एक टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है जहाँ पे फाइंड आउट तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन ही करना है, पर एक टर्म कम मिलेगा। अभी प्रॉपर आप जो अननोन था उसको इंट्रोड्यूस कर पा रहे थे। थर्ड नंबर का चाहिए तो थर्ड प्लेस पे डाल दिया, फोर्थ का चाहिए तो फोर्थ पे डाल दिया। ठीक, अब अगर मैं आपको देखिए ये फॉर्मेट का क्वेश्चन भी अच्छा है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन of 3 and 6। बस इतना क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। ठीक, आपने कहा थर्ड बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर्स लिखेंगे, चलो ऐसे लिख देते हैं। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी 3, let the third proportion be x। तो अब नंबर्स क्या हो गए, थर्ड नंबर पर डालना है, हो गया। अब कहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, फोर्थ नंबर तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक, हम क्या करते हैं इस केस में, जब भी आपके पास एक नंबर शॉर्ट है तो हमारा जो सेंटर वाला नंबर है वो नंबर रिपीट होता है हमेशा। दिस इज 3, 6, 6 and x। इसका रीज़न क्या है, जो अभी हमने किया था मीन प्रोपोर्शन, वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था। देखो आप ये बोलते हो कि ए और सी, ए बी, बी एंड सी, ये टर्म डालते हैं। ठीक, यहाँ से हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज b² = ac। अगर आप ये बोलते हो कि ए बी सी आर इन जी पी, ठीक, ये कंसेप्ट भी आपका आगे आएगा अभी। देन हम क्या बोलते हैं कि b/a = c/b। ये दिस इज b² = ac। तो यही लॉजिक है सेकेंड वाले टर्म को रिपीट कराने का हमारा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये gp क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। और अगर आप मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट भी देखते हो ना, तो वो भी यहीं से निकल के आता है। मीन प्रोपोर्शन में आप क्या बोलते हो कि दो नंबर्स हैं ए और सी, उनका मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो हम क्या डालते हैं ए बी और सी, मीन मतलब जो बीच में है। तो इसको पूरा करने के लिए ही हमारा ये डाला जाता है ए बी एंड सी। बेसिक लॉजिक अगर आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से यूज टू नहीं हो, नहीं जानते उसके बारे में, तभी भी ये कंसेप्ट यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। जो मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है हमारा, एक और बार इसको क्लियर करा देते हैं आपको। देखो मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है हमारा कि ए और सी अगर दो नंबर्स हैं, उनका मुझे मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ कि बीच में बी डाल रही हूँ, मीन मतलब बीच वाला। प्रोपोर्शन के लिए चार क्वांटिटीज होना होता है, तो दिस इज ए बी एंड सी, ये लॉजिक होता है। तभी जो ये आपका आता है मीन प्रोपोर्शन, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अपॉन 3 क्या मिला मुझे, मीन थर्ड प्रोपोर्शन इज 3, 6 और 12, ये मेरे नंबर्स हो गए। तो अब जो नंबर्स बने वो क्या हैं, 3, 6, 6, 12, 36, 36, तो आंसर भी करेक्ट हो गया हमारा, ठीक। चलिए आज इतना ही रखेंगे बस। कल प्रोपोर्शन के कुछ टर्म्स और आएंगे हमारे, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, टेक केयर।